जी अब आज हम जी लंच टाइम पे आए हैं बारबेक्यू के लिए। थोड़ा ट्रेडिशनल है, नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, आप ही आपको दिखाते हैं अंदर से भी। और चिकन कढ़ाई ट्राई करने लगे, लेट सी देखते हैं। ये जी रायबंद रोड वाली साइड पे है, सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट वाली साइड से आ रहे हैं रायबंद रोड पे, इज्तमा से आगे क्रॉस कर गए। और ये है रहमान बारबेक्यू एंड रेस्टोरेंट, और इधर मरकज़ की तरफ रास्ता जाता है। सर बारबेक्यू का सेटअप तो है, लेकिन अभी टाइम ऐसा है कोई 3 बजे का टाइम है इस वक्त, तो बारबेक्यू नहीं है, लेकिन चिकन कढ़ाई का हमने ऑर्डर किया है। तो ये साजिद भाई हैं, ये कढ़ाई बना रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जी बड़ी स्पेशल किस्म की होगी, तो अभी देखते हैं। साजिद भाई ये प्रेशर कुकर किस लिए है? बीफ कढ़ाई के लिए। मटन सही का, अच्छा ठीक है, तो प्रेशर उसमें करके तो ठीक है, गल जाता फिर इधर आ जाता, ठीक है ठीक हो गया। चले जी, ये इनके पास ट्रेडिशनल भी है, इनका जो दोपहर को तंदूर का मामला चलता है उसमें कोरमा और कीमा दाल भी है और मिक्स सब्ज़ी माश और चने वगैरह, ये ट्रेडिशनल भी दोपहर को खाना चलता है। चले अंदर चलते हैं अभी सेटिंग का। वेट लिस्ट भी लगी हुई है, बैठे भी बैठने के लिए है जगह, बैठे भी बैठने के लिए जगह है। और ये मेरे कलीग हैं अली असगर भाई हैं, हम दोनों भाई आए हैं ज़रा खाने वाने के लिए, तो बैक पे भी आपको दिखा देते हैं। ये ओपन में भी सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है, वॉशिंग वगैरह का यहाँ पे सेटअप। तंदूर कहाँ पे है? बाहर वाली साइड, उस साइड पे ठीक है। ये सेटिंग ऊपर तो नहीं अभी किया हुआ मामला, ठीक ऊपर रिहाइश है ऐसे। अच्छा ठीक है ठीक है, ये स्टेयर्स वगैरह जाती है ऊपर जाने के लिए, वो वाली ऊपर पे ऊपर बैठते हैं। अच्छा इधर वाला, अच्छा ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है यार? शराफत भाई। चलें सर आप यहीं के हैं आप भी, तो ना तो वही मुझे लग रहा था कि एक आपके चाल ढाल से पता लग रहा था कि मालिक फिर बेशक बेशक उन्होंने जिम्मेदारी दी होती है। सही, आपका इसम शरीफ सर? मोहम्मद सरवर साहब, शादी मोहम्मद साहब। ये सरवर साहब हैं जी, ये ओनर हैं रेस्टोरेंट के। तो जी अब ज़रा फिर खाते पीते हैं तो फिर आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। थैंक यू जी। चलिए जी, ये चिकन कढ़ाई आ गई है और स्टार्ट करते हैं। सैलड भी है साथ में, और सेटअप तो बड़ा प्यारा सा लगाया उन्होंने जी अली असगर भाई जी। आपने एक्सप्लेन भी करना है क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा। अच्छा गला हुआ और
मसाला भी अलग नहीं लगा। रायते का भी बड़े मजे का लग रहा है, लेकिन ये आपने जो चीज़ की है ना, ये ज़्यादा अच्छी होगी। लेमन के साथ रायते का डिप में खाने में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। प्राइवेट वाली ट्रीटमेंट तो यहाँ पर जरूर आएगा।